बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बाबे इल्मे खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, फिट फाट, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर बच्चों को शिकायत होती कि हम 2 बजे स्कूल से घर जाते हैं, लंच करना, फिर मस्जिद जाना, फिर एकेडमी में रात 8 बज जाते हैं, वापिस आकर डिनर करना और सो जाना, बस यही लाइफ है। अक्सर दोस्त 6 से 7 घंटे एकेडमी में पढ़ते हैं, लेकिन नंबर फिर भी कम आते हैं। बहुत से दोस्तों के पास प्ले करने और फन करने का टाइम ही नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मैं 3 क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, पारा पढ़ता हूँ, फिजिकल प्ले करता हूँ, आईपैड यूज करता हूँ, एंजॉयमेंट, फन और सैर तफरीह भी करता हूँ, अपनी मम्मा जानी के साथ घर के कामों में हाथ बटाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा 92+ नंबर लेता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो मेरी आज की वीडियो मुकम्मल देखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, 1920 से 1940 तक एक अमरीकी साइंसदान ने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप पर रिसर्च की। उसने बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट शामिल किए जो दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट शामिल किए जो दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते थे। 10 साल के बाद उन दोनों ग्रुप्स के बच्चों का रिजल्ट निकाला गया, तो ये रिजल्ट सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट एवरेज और 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे टॉपर थे। दोस्तों, कभी भी मुसलसल बैठकर ना पढ़ें, उससे आप थक जाएंगे और जल्द ही बोरियत महसूस करने लगेंगे। पढ़ाई के दौरान हमेशा छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहें, जितनी देर पढ़ें मुकम्मल दिल लगा कर और पूरी तवज्जह से पढ़ें, फिजिकल प्ले करें, टीवी देखें, कुरान पाक पढ़ें, ये सब भी बहुत जरूरी है। बकायदगी से पढ़ाई करें, होमवर्क रोज मुकम्मल करें और कम से कम 3 से 4 घंटे रोज पढ़ाई के बाद एक बार रिवीजन करें और हमेशा डीपली पढ़ें, अपने खाने पर मुकम्मल तवज्जो दें। दोस्तों, क्लासेस के स्टार्ट में या छुट्टियों के स्टार्ट में पहले कुछ दिन पढ़ाई करें, ताकि आप जान सकें कि आप आसानी से कितनी देर पढ़ सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर में कवर हो सकता है। फिर इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। हर स्टूडेंट का टाइम टेबल दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होता है। आप भी एक भरपूर और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाएं और फिर उसे फॉलो करें। जो सब्जेक्ट भी पढ़ें उसे फुल अंडरस्टैंड करें, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्कूल से आकर मैं अपने घर में ही पढ़ता हूँ, टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, घर में अपने तौर पर डेली बेस पर शॉर्ट टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेता हूँ। दोस्तों, ये सोचना कि मैं पेपर दिए बगैर ही 100% नंबर लूँ या पढ़ाई के बगैर ही 100% नंबर लूँ, ये नामुमकिन बात है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव या स्टोरीज हो सकती हैं, रियल में ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें, खूब मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। कितना खूबसूरत शेर है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे
खुद बनाना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।